हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे से होंगे माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी एस चेनर खान शौकत आज के लेक्चर में हम एम करेंगे रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स मॉड्यूल और ये इस मॉड्यूल के रिलेटेड हमारा प्रैक्टिस सेट वू रहेगा अगर इसका प्रैक्टिस सेट वन अभी तक आपने नहीं देखा है आप प्ले में जा सकते हो वहाँ पे आपको इसका लेक्चर वन मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट वन में हमने सिलेबस के दो टॉपिक्स को डिस्कस किया था वन वाज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड यूजिंग आईसी करो सेकंड वाज डिमांड एनालिसिस आज हम अपने सिलेबस के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे इज फिजिकल पॉलिसी इस टॉपिक के सारे के सारे डायमेंशन को आज हम डिटेल में कवर करेंगे बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को स्टार्टिंग विद ओवर क्वेश्चन नंबर वन एन इकोनॉमिक साइकिल इज द ओवरऑल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एज इट गोज थ्रू डैश स्टेट इन साइकिल पैटर्न जो इकोनॉमिक साइकिल होता है किसी भी कंट्री का वो हमें बताता है कि एक कंट्री का ओवरऑल स्टेट क्या है इकोनॉमी का अब आपको बताना है ये इकोनॉमिक साइकिल टोटल कितने स्टेट्स में से पास हो जाता है साइकिल पैटर्न में क्वेश्चन नंबर वन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए फोर स्टेट्स अब हम सारे के सारे स्टेट्स को यहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे मैं ग्राफिकली आपको शो करूंगा ये जो इकोनॉमिक साइकिल होता है किसी भी कंट्री का ये कैसा दिखता है इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरीके से बन जाता है ये यहां पे क्या बन गया एक साइकिल यहां पे कंप्लीट हो गया फिर इसी तरीके से दूसरा साइकिल स्टार्ट हो जाता है तीसरा साइकिल स्टार्ट हो जाता है दैट इज वाई यहां पे वर्ड यूज किया गया है साइकिल पैटर्न अब आप यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन जो है यहां पे एक कंट्री की जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो रही होती है एट इंक्रीजिंग रेट यानी कि कंट्री की जो जीडीपी है वो एक्सपैंड हो रही होती है तो इस पर्टिकुलर पार्ट part को मैं बोल सकता हूं इस पर्टिकुलर स्टेज को मैं बोल सकता हूं स्टेज ऑफ एक्सपेंशन जब एक कंट्री की जो इकोनॉमी है जीडीपी जो है वो अगर इंक्रीज हो रही होगी तब हम बोलते हैं उसको स्टेज ऑफ एक्सपेंशन तो फिर एक टाइम पहुंच जाता है जब एक कंट्री की जीडीपी बूम पे चली जाती है ये वाला पॉइंट जो यहां पे है ना दिस रिप्रेजेंट्स द पीक इन द जीडीपी ऑफ अ कंट्री एंड ड्यू टू सर्टेन रीजन ड्यू टू सर्टेन रीजन कभी कभी इस जीडीपी में क्या आ जाता है स्लो डाउन आ जाता है यहां पे मैं लिखूंगा स्लो डाउन स्लो डाउन इन इकोनॉमी अब स्लो डाउन इन इकोनॉमी का क्या मतलब होता है यहां पे एक कंट्री की जीडीपी इंक्रीज हो रही होती है एट डिक्रीजिंग रेट ये पॉइंट आप नोट no डाउन करके रखोगे जीडीपी इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट अब ये क्या होता है मैं इसके बारे में अभी बात करूंगा एंड इनकेस अगर किसी कंट्री की जीडीपी नेगेटिव में चली जाएगी अगर किसी कंट्री की जीडीपी नेगेटिव में चली जाएगी फॉर अ पीरियड ऑफ टू क्वार्टर्स क्वार्टर में तीन महीने आते हैं अगर किसी कंट्री की जीडीपी डी टू क्वार्टर्स के लिए नेगेटिव में चली जाती है तब हम बोलते हैं कंट्री अभी फेस क्या कर रही है रिसेशन द कंट्री इज इन लाइक वाइज अगर यही नेगेटिव ग्रोथ रही फॉर अ पीरियड ऑफ फोर क्वार्टर्स फोर क्वार्टर्स का मतलब हो गया एक साल अगर एक साल के लिए किसी कंट्री की जीडीपी नेगेटिव में चली जाती है तब हम बोलते हैं कंट्री जो है ये डिप्रेशन में चली गई है द कंट्री इज इन अ डिप्रेशन और जब भी कंट्री कंट्री डिप्रेशन में होगी इसको कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी पड़ती है जिसकी वजह से ये इस डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं इसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा अगर मैं इंडिया की बात करूंगा इंडिया की जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गई आफ्टर द एल रिफॉर्म्स जो कि लाए गए थे नाइनटीन में ठीक है यहां पे हमारी इकोनॉमी क्या हो रही है एक्सपेंड हो रही है और जब स्लो डाउन होगा इकोनॉमी में तब हम बोलते हैं इकोनॉमी अभी क्या हो रही है कंट्रैक्ट हो रही है देयर इज अ कंट्रैक्शन इस साइकिल को क्या बोला जाता है यहां पे स्टेज को क्या बोला जाता है कंट्रैक्शन ठीक है और ये वाला पॉइंट जो यहां पर आ रहा है इसको हम बोलते हैं ट्रफ ट्रफ ठीक है trough. Trough. तो होपफुली यहां तक सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अब हम स्लो डाउन इन इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा यहां पे बात करेंगे मैंने आपको क्या बोला स्लो डाउन इन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है जी डी पी जी डी पी इज इनक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट डिक्रीजिंग रेट मतलब क्या है इसका ट्राई टू अंडरस्टैंड लेट अस से किसी कंट्री की जो जीडीपी है पहले साल के लिए वो है दस रुपये दूसरे साल के लिए जो इसकी जीडीपी है वो है पंद्रह रुपये तीसरी सा, तीसरे साल के लिए जो इसकी जीडीपी है दैट इज ट्वेंटी फाइव रुपीज़ चौथे साल के लिए जो कंट्री की जीडीपी है लेट अस से दैट इज थर्टी एट रुपीज़ अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पर जी इंक्रीज हो रही है क्लियरली हमें दिख रहा है जी क्या हो रही है इंक्रीज ठीक है लेकिन यहाँ पर इंक्रीज कितना हो रहा है पाँच रुपये यहाँ पर इंक्रीज हो रही है यहां पे कितना इंक्रीज हो रहा है दस रुपए से इंक्रीमेंट हो रहा है यहां पे इंक्रीज कितना हो रहा है थर्टीन रुपीज से इंक्रीज हो रहा है अब आप देखोगे जीडीपी इंक्रीज भी हो रही है और किस रेट पे इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट पे हो रही है मीन्स दैट यहां पे मैं बोल सकता हूँ जी डी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट लाइक वाइज अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँगा यहां पर मैं दूसरी एग्जाम्पल ले लेता हूँ पहले साल लेटर से एक कंट्री की जो जी है वो है टेन दूसरे साल के लिए फिफ्टीन तीसरे साल के लिए सेवनटीन और चौथे साल के लिए एटीन अब आप देखोगे क्या यहाँ पे जीडीपी इंक्रीज हो रही है बिल्कुल जीडीपी इंक्रीज हो रही है पहले साल दस था दूसरे साल पंद्रह था तीसरे साल सेवनटीन और फोर्थ ईयर में एटीन तो जी तो इंक्रीज़ हो रही है लेकिन किस रेट पर इंक्रीज़ हो रही है पहले कितना इंक्रीज़ हुआ था पाँच का फिर कितना इंक्रीज़ हुआ दो रुपए का फिर कितना इंक्रीमेंट हुआ एक रुपए का जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन किस रेट पे इंक्रीज़ हो रही है एट डिक्रीजिंग तो रेट तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं स्लो डाउन इन द इकोनॉमी ठीक है होपफुली आपको यह पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं फिजिकल पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय डैश इन इंडिया आपको बताना है इंडिया में फिजिकल पॉलिसी फॉर्मुलेट कौन करता है नीति आयोग आरबीआई फाइनेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी फाइनेंस मिनिस्ट्री अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे करंटली इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया करंटली कौन है बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं लेट्स टॉक अबाउट और क्वेश्चन नंबर थ्री फिजिकल पॉलिसी रेफर्स टू आपको बताना है फिजकल पॉलिसी की मेन डेफिनेशन क्या है मैं डायरेक्टली इसके आंसर पे आ जाता हूं क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट हमें बताती है कि हमारा रेवेन्यू कहाँ से आएगा और जो भी रेवेन्यू जो भी इनकम हमारे पास आ जाएगी वो हम कहां पे स्पेंड करेंगे ठीक है तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर लेता सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आना चाहिए वाई डू वी इवन नीड दीज पॉलिसीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड अगर कभी भी किसी भी कंट्री में लेटर से रिसेशन चल रहा है अब कंट्री को कोशिश करनी है उस रिसेशन से बाहर निकलने की तो उस टाइम पे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेगी लाइक वाइज इज़ वन मोर बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग अ पर्टिकुलर कंट्री आउट ऑफ दिस रिसेशन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया की बात करूंगा अगर लेटर से इंडिया में रिजिशन चल रहा है तो हमें कुछ पॉलिसीज फ्रेम करनी पड़ेगी जिसकी वजह से इंडिया क्या आ सकता है इस रजिस्टेशन से बाहर आ सकता है अब पॉलिसीज कौन फ्रेम करेगा देर आर टू बॉडीज रेस्पॉन्सिबल वन इज यूअर सेंट्रल बैंक जो इंडिया में आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सी पॉलिसीज अप्लाई करेगा ऑब्वियसली मॉनेटरी पॉलिसी वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज को इस तरीके से फ्रेम करेगा जिसकी वजह से कंट्री रिसेशन से बाहर आ सकती है लाइकवाइज गवर्नमेंट को भी कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी ठीक है जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी ठीक है policy, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा फिजिकल पॉलिसी इस तरीके से फ्रेम करनी पड़ेगी ताकि जो कंट्री है वो रिसेशन से क्या आ जाए बाहर आ जाए ठीक है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैं लिख लेता हूं ये जो फिजिकल पॉलिसी है फिजिकल पॉलिसी ज अट्रेटेजिक या स्ट्रेटेजी आप बोल सकते हो सिस्टर ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी इसका क्या मतलब है सिंपल पॉइंट आप याद रखोगे जो ये फिजिकल पॉलिसी है और यह जो मॉनिटरी पॉलिसी है फिजिकल पॉलिसी कौन फ्रेम करेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट मॉनिटरी पॉलिसी कौन फ्रेम करेगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि क्या है आर है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये फिजिकल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी आपस में क्या होनी चाहिए सिंक में होने चाहिए दे शुड बी सिनक्रनाइज विथ ईच अदर सिनक्रनाइज का मतलब क्या हो गया अगर गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी अप्लाई कर रही है डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए या रिसेशन से बाहर निकलने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी पॉलिसीज उसी पैटर्न की फ्रेम करनी पड़ेगी मॉनिटरी पॉलिसी भी हमें हमें क्या बनानी पड़ेगी एक्सपेंशनरी बनानी पड़ेगी तब जाके कंट्री क्या बन सकती है कंट्री बाहर आ सकती है इस डिप्रेशन से इस रिसेशन से लाइकवाइज अगर कंट्री में इन्फ्लेशन चल रहा है इन्फ्लेशन चलने के टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा कंट्रैक्शनरी फिजकल पॉलिसी एज वेल एज कंट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी ताकि जो मार्केट है उसमें मनी कंट्रोल मनी फ्लो क्या हो जाए कंट्रोल हो जाए ठीक है दैट इज वाई फिजिकल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी आपस में हमेशा क्या होने चाहिए सिंक में होने चाहिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे जो हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है वो बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी इज इक्वल टू बजट वो बोलते हैं बजट को ही क्या फिजिकल पॉलिसी जबकि ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत होगा मैं बोल सकता हूं दैट बजट इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी बजट इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी में और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जैसे आपका बजट इसमें आ जाता है आपका टैक्सेशन इसके अंदर आ जाता है टैक्सेशन ये भी एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है किसका फिजिकल पॉलिसी का लाइक पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना हम करेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक रेवेन्यू पब्लिक डेट डेफिसिट कितना करेंगे तो दीज आर सम ऑफ़ द सम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी ठीक है सो यू कैन से दैट बजट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी आप ऐसा नहीं बोल सकते हो फिजिकल पॉलिसी इज इक्वल टू बजट लेट्स टॉक अबाउट और क्वेश्चन नंबर फोर इफ टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रसीड ये दो वर्ड्स यहां से आप हटा लेना अगर टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द टोटल रिसीड ऑफ अ कंट्री वी गेट आपको बताना है तो हमें कौन सा डेफिसिट मिल जाता है अगर मैं आपको इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर बताऊंगा इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी बजट डेफिसिट बट अगर आप बहुत सारी वेबसाइट्स चेक करोगे बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा फिजिकल डेफिसिट अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी अभी अंडरस्टैंड कर लेंगे मैं आपको क्या बोल रहा हूं अगर एक्सपेंडिचर क्या होगा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द रेवेन्यू तब हम उसको क्या बोलते हैं बजट डेफिसिट अब मैं फिजिकल डेफिसिट के बारे में थोड़ा सा यहां पे आपको बताऊंगा लेटर से एक कंट्री का जो एक्सपेंडिचर है वो है ग्यारह सौ रुपए मैं एक छोटी एग्जाम्पल ले रहा हूं और मैं रेवेन्यू ले रहा हूं बराबर हजार के ठीक है अब यहां पर ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर क्या आ रहा है ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू द रेवेन्यू और कितना ज्यादा आ रहा है हंड्रेड रुपीज सौ रुपए यहां पे क्या आ रहा है ज्यादा अब आप अंडरस्टैंड करो गवर्नमेंट के पास पैसा कितना आ रहा है एक हजार रुपये और गवर्नमेंट स्पेंड कितनी आ, आ, अर्निंग कर रही है गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रहा है ग्यारह सौ रुपये तो गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा आ रहा है उससे एक सौ रुपये गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड कर रही है तो जो सौ रुपये यहाँ पर गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड कर रही है ना ये इसको कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा ठीक है अब वो कहां से ला सकता है गवर्नमेंट हैज डिफरेंट सोर्सेज टू टेक इट गवर्नमेंट क्या कर सकती है या तो इंटरनल बोरोइंग्स कर सकती है या तो एक्सटर्नल बोरोइंग्स कर सकती है जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डू नॉट गो फॉर एक्सटर्नल बोरोइंग्स मैं यहां पे सिंपली बात करूंगा इंटरनल बोरइंग्स की अब गवर्नमेंट ये पैसा कहां से ला सकती है ये सौ रुपए कहां से ला सकती है या तो ये बोलेगा आर बी आई को मुझे पैसे दो, दे दो या तो ये लोगों से ये पैसा मांग सकती है ठीक है तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से पैसा लाना पड़ रहा है ठीक है तो कितना इसको लाना पड़ रहा है एक सौ रुपए असल में इसी एक सौ रुपए को हम क्या बोलते हैं ये गवर्नमेंट की क्या है बोरोइंग और ये बोरोइंग ही असल में क्या होता है फिजिकल डेफिसिट देखा जाएगा फिजिकल फिजिकल डेफिसिट असल में होता है बराबर बोरोइंग्स के ठीक है ये पॉइंट आप एज इट इज फिलहाल के लिए याद रखोगे हम इसके बारे में आगे और भी बात करने वाले हैं ठीक है और अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही होगी यानी कि अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द रेवेन्यू तब हम बोलते हैं गवर्नमेंट अभी कौन सी फिजकल पॉलिसी चला रही है गवर्नमेंट अभी चला रही है एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी एक्सपेंशनरी एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी लाइकवाइज अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या होगा कम होगा एज कंपेयर टू द रेवेन्यू तब हम बोलते हैं गवर्नमेंट अभी कौन सी पॉलिसी अप्लाई कर रही है कंट्रैक्शनरी कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप इनको नोट डाउन करके रखोगे नेक्स्ट पॉइंट uh, जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे दैट इज अगर एक गवर्नमेंट को बनना है वेलफेयर गवर्नमेंट अगर एक गवर्नमेंट को बनना है वेलफेयर यानी कि अच्छी गवर्नमेंट अगर किसी को बनना है ना दे शुड गो फॉर दिस फिजकल डेफिसिट दे शुड यूज एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी उनको ज्यादा पैसा स्पेंड करना चाहिए एज कम्पेयर टू द रेवन्यू दैट दे आर गेटिंग ठीक है अब मोस्टली हम प्रेफर करते हैं एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी बट इन केस ऑफ इन्फ्लेशन इन केस ऑफ इन्फ्लेशन गवर्नमेंट को क्या फिजिकल पॉलिसी अप्लाई करनी पड़ती है कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी यानी कि गवर्नमेंट उस टाइम पे एक्सपेंडिचर कम करना चाहेगी ताकि मार्केट में जो मनी फ्लो है वो थोड़ा सा कम हो जाए तो होपफुली ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे अगर आपको यहां पे तो भी कोई डाउट आ रहा है इसके बीच में हम इसको आगे और भी डिस्कस करने वाले हैं फॉर नाउ आप इतना याद रखो जो मैंने आपको बताया है लेट्स टॉक अबाउट ओअर क्वेश्चन नंबर फाइव द यूनियन बजट ऑफ द ईयर इज रेफर टू एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो यूनियन बजट होता है इसको बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी आर्टिकल वन हंड्रेड ट्वेल्व एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल वन हंड्रेड ट्वेल्व इट इज दिगेशन टू द गवर्नमेंट कि उनको हर साल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करना ही करना पड़ेगा ठीक है एक और पॉइंट हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं जो ये बजट होता है बजट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिजल पॉलिसी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया और बजट को कभी कभी बोला जाता है पब्लिक फाइनेंस भी पब्लिक फाइनेंस और इस बजट में गवर्नमेंट क्या करती है वो बताती है कि हमारे क्या सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रहने वाले हैं एक पूरे के पूरे फाइनेंशियल साल के लिए और हम उन सारे के सारे सोर्सेज ऑफ इनकम्स को कहा पे खर्च करने वाले हैं यानी कि हमारा एक्सपेंडिचर कहां, कहां पे रहने वाला है ये सारी चीजें गवर्नमेंट बताती है या फाइनेंस मिनिस्ट्री बताती है इस बजट डॉक्यूमेंट में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे इज द एनुअल डॉक्यूमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विच इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर जस्ट बिफोर द यूनियन बजट क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ये एक एनुअल डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रेजेंट किया जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर कब प्रेजेंट किया जाता है एक दिन पहले वन डे बिफोर द यूनियन बजट ठीक है यह पॉइंट आप याद रखोगे अब इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है जिस तरीके से बजट में बोला जाता है कि आने वाले साल में हमारे क्या रेवेन्यू के सोर्सेज रहेंगे और हम कहां कहां पे पैसा खर्च करेंगे वैसे ही एनुअल डॉक्यूमेंट में होती है प्रीवियस डिटेल्स प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स कहां पे होती है इकोनॉमिक सर्वे uh, में यानी कि गवर्नमेंट बताती है कि प्रीवियस ईयर में हमने कहां पे कितना पैसा खर्च किया और कहा से हमें कितना पैसा आया उस चीज को हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे और ये इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट जो है ये प्रेजेंट कौन करता है फाइनेंस मिनिस्टर लेकिन अगर मैं बात करूंगा इस इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कौन करता है दिस इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय कौन इसको प्रिपेयर करता है आप यह भी नोट डाउन करके रखोगे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप इसको भी याद रखोगे लेट्स टॉक अबाउट ओवर क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज इंडिया फर्स्ट पेपरलेस बजट प्रेजेंटेशन आपको बताना है फ्रॉम द गिवन फोर ऑप्शन इनमें से इंडिया का पहला पेपरलेस बजट कौन सा था क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी बजट 2021-2022 ये यह फैक्चुअल पॉइंट है आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा अब बजट के रिलेटेड हम यहां पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं टॉकिंग अबाउट बजट बजट में दो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं एक अकाउंट होता है जिसको बोला जाता है रेवेन्यू अकाउंट और जो दूसरा अकाउंट मेंटेन किया जाता है उसको बोला जाता है कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट अब रेवेन्यू अकाउंट जो है ना इसमें फर्दर दो चीजें आ जाती हैं आपके आते हैं इसमें रिसीट्स और एक्सपेंडिचर लाइकवाइज कैपिटल अकाउंट में भी आते हैं रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ठीक है ये सारे पॉइंट्स आप पहले नोट no डाउन करके रखोगे अब रेवेन्यू अकाउंट में ये जो हमारे रसीड्स होंगे ये जो हमारे एक्सपेंडिचर्स होंगे ये कौन से रसीड्स और कौन से एक्सपेंडिचर्स होते हैं ये वो वाले रसीड्स वो वाले एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि रिकरिंग नेचर के होते हैं रिकरिंग नेचर के यानी कि डेली वाले रसीड्स और डेली वाले एक्सपेंडिचर्स इकवाइज कैपिटल अकाउंट में कौन से रसीट्स और कौन से एक्सपेंडिचर्स रखे जाते हैं जो कि नॉन रिकरिंग नेचर के होंगे नॉन रिकरिंग नेचर के ये भी आप याद रखोगे ये जो रसीड्स यहां पे आ रहे हैं इनको बोला जाता है रेवेन्यू रिसीट्स इनको बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसको बोला जाता है कैपिटल रसीट्स और इसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको मैं नाम दूंगा वन इसको मैं नाम दूंगा टू थ्री एंड फोर अब हम चारों को एक एक करके फिर से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहीं पे। फर्स्टली आई बी टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू रसीड्स रेवेन्यू रसीड्स यानी कि वो वाले पैसे जो कि गवर्नमेंट के पास आते हैं ऑन रेगुलर बेसिस रिकरिंग नेचर के रसीड्स ये फर्दर दो टाइप्स के हो सकते हैं एक इसमें आता है टैक्स वाले टैक्स वाले रसीड्स और दूसरा आता है नॉन टैक्स नॉन टैक्स एज यू ऑलरेडी नो टैक्स को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है वन इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स एंड द सेकेंड वन इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स ठीक है तो गवर्नमेंट के पास जो रसीड्स आते हैं रेवेन्यू रसीड्स आते हैं वो या तो टैक्स बेस्ड हो सकते हैं या तो नॉन टैक्स बेस्ड हो सकते हैं टैक्स हमें पता है दो कैटेगरीज का होता है या तो डायरेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट होगा अब डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन सा टैक्स आता है आपको ये पता होना चाहिए मैं एग्जाम्पल्स एक दो यहाँ पे लिखूंगा जैसे कि आपका इनकम टैक्स दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स जैसे कॉरपोरेशन टैक्स दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स और जितने भी बाकी और डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो आप मुझे लिस्ट डाउन करके बताओगे कमेंट सेक्शन में लाइकवाइज अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूंगा यहाँ पे गवर्नमेंट के पास रोज एक टैक्स आता है जिसको हम क्या बोलते हैं जीएसटी ठीक है GST, इसी तरीके से आता है कस्टम ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ योर इनडायरेक्ट टैक्स तो ये वो वाले पैसे हैं जो कि गवर्नमेंट के पास जाते हैं रेगुलर बेसिस पे लाइकवाइज नॉन टैक्स बेस्ड रेवेन्यू रिसीट्स क्या हो सकते हैं जैसे गवर्नमेंट अगर किसी चीज की सेल कर रही होगी सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस सेल ऑफ गुड्स एंड सॉरी यहां पे गुड्स लिखना था मुझे मैंने गूगल लिखा गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ से भी गवर्नमेंट के पास क्या जाएगा रेवेन्यू रसीड जाएगा वैसे ही गवर्नमेंट के जितने भी पी हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो भी उनका प्रॉफिट होगा या जो भी वहाँ से गवर्नमेंट को डिविडेंट मिल रहा होगा दे आर अगेन एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू रसीड्स वैसे ही गवर्नमेंट ने अगर किसी को लोन दिया है वहाँ से गवर्नमेंट को क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा interest received this is one one of the examples of non tax revenue receipts of the government theek hai ye jo yahan pe main examples bata raha hu na they are very critical from your examination perspective directly bola ja sakta hai like profit and dividend ये किस account में जाएगा इन केस ऑफ बजट ठीक है ये सारे पॉइंट्स आपको नोट no डाउन करके रखने हैं लाइकवाइज अगर मैं दूसरे टाइप के बारे में बात करूंगा दूसरा टाइप मैंने आपको क्या बोला रेवेन्यू रिसीट्स के बाद क्या आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ठीक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है वो वाले खर्चात जो कि गवर्नमेंट को डेली बेसिस पे करने पड़ते हैं अब किन किन चीजों पे गवर्नमेंट को डेली बेसिस पे खर्चे करने पड़ते हैं ये लिस्ट भी यहां पे मैं लिखूंगा जैसे इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स अगर गवर्नमेंट ने लोन लिया है उस पर जो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना पड़ता है वह तो हर महीने देना पड़ेगा दैट इज वाई दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट क्या देती है रेगुलर बेसिस पे ग्रांट देती है स्टेट्स को ग्रांट्स टू स्टेट्स ये रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट देती है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है सो दिस विल बी अगेन वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट लोगों को क्या देती है सब्सिडी देती है सब्सिडीज देती है तो दिस इज अगेन वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को जो खर्चा करना पड़ता है डिफेंस पे सैलरीज पे ठीक है तो ये भी एग्जाम्पल्स आ जाएगी इसकी जो गवर्नमेंट को पेंशन देना पड़ता है पेंशनर्स को वो भी एग्जाम्पल क्या आ जाएगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की सो so, ये वो वाले खर्चा थे जो कि गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं ऑन रेगुलर बेसिस थर्ड कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा थर्ड कैटेगरी में आता है आपका कैपिटल रसीड्स कैपिटल रसीड्स अगर मैं कैपिटल रिसीड्स की बात करूंगा कैपिटल रसीड्स दो तरीके के हो सकते हैं वो वाले रिसीड्स जो कि गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस पे नहीं आते हैं ठीक है गवर्नमेंट के पास तो आते हैं लेकिन रिकरिंग नेचर के नहीं होते हैं तो इसको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है या तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ सकता है एज नॉन डेट या तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ अ डेट यानी कि जब गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी नॉन डेट में क्या क्या, क्या चीजें आ जाएगी मैं कैपिटल रसीड की बात कर रहा हूं गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है नॉन रिकरिंग बेसिस पे नॉन डेट की एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको बताऊंगा जैसे डिस इन्वेस्टमेंट डिस इन्वेस्टमेंट अब इसका क्या मतलब है फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट की कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट उसको बेच रही है तो वहां से जो गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट और वो क्या है वो एक नॉन डेट नॉन डेट कैपिटल रसीट है बहुत बड़ा अमाउंट जा रहा है गवर्नमेंट के पास क्या ये रेगुलर बेसिस पे होगा नो ऐसा रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है तो ये क्या है नॉन डेट क्या गवर्नमेंट कर्जा ले रही है दैट इज नॉट द केस अगेन तो हम बोल सकते हैं दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन डेट कैपिटल लाइक लाइकवाइज अगर गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया हुआ है वो लोन लेटर से दस साल के बाद रिकवर हो रहा है तो लोन्स रिसीव्ड वापस वापसे, या सॉरी रिसीव्ड नहीं रिकवर्ड जब गवर्नमेंट को लोन रिकवर हो रहा है तो वो भी क्या है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसीट लेकिन किस कैटेगरी का नॉन डेट कैटेगरी का अब अगर मैं डेट कैटेगरी की बात करूंगा ये मैंने आपको शायद ऑलरेडी बता दिया डेट का मतलब हो गया जब गवर्नमेंट क्या लेगी कर्जा लेगी बोरोइंग्स करेगी अब गवर्नमेंट बोइइंग्स किस तरीके से कर सकते हैं या तो ये डेट इंटरनल हो सकता है या तो ये डेट क्या हो सकता है एक्सटर्नल लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक्सटर्नल डेट ज्यादा नहीं लेती है इसीलिए मैं इसकी बात नहीं करूंगा हाँ अगर गवर्नमेंट एक्सटर्नल डेट लेगी तो उस चीज़ को बोला जाता है सॉरेन लोन ठीक है ये मैं पॉइंट लिखूंगा हो सकता है एग्जामिनेशन में एज इट इज जाए सोरेन लोन ठीक है और इंटरनल डेट्स किस तरीके से आ सकते हैं मैंने आपको बताया या तो गवर्नमेंट पैसा लेगी किससे आरबीआई से या तो गवर्नमेंट क्या लेगी पैसा मार्केट से उठाएगी या लोगों से उठाएगी मार्केट से ठीक है तो होपफुली ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे अब अगर मैं फोर्थ टाइप के बारे में बात करूंगा फोर्थ टाइप क्या आता है उस चीज को हम क्या बोलते हैं कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर ये वो वाले खर्चात होते हैं गवर्नमेंट के जो कि नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं यानी कि जो रेगुलरली नहीं होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर किस पर्पज के लिए किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ एसेट क्रिएशन एसेट क्रिएशन के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है इसमें क्या क्या आज जाती है चीजें uh, अगर आप लोन दे रहे होते हो किसी को लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट ये तो गवर्नमेंट का खर्चा ही है लेकिन क्या गवर्नमेंट इसको रेगुलर बेसिस पे करती है द आंसर इज नो डिफेंस इक्विपमेंट्स पे जो खर्चे हो जाते हैं दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट खर्चा करती है रोड्स बनाने पे बनाने रेलवे हेल्थ सेक्टर पे ठीक है या स्कूल्स पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे तो वो सारी एग्जाम्पल्स आ जाती है किसकी कैपिटल एक्सपेंडिचर की तो होपफुली ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे मैं यहां पे आपको जानबूझ के एमसीक्यू ज्यादा नहीं करा रहा हूं देखा जाएगा जो भी मैंने आपको यहां पे पॉइंट्स बताए इसके 10-20 एमसीक्यूज बनाए जा सकते थे बट मैं आपको एक चीज आ, साथ में ही सारी की सारी चीजें क्लियर करना चाहता हूं अगर मैं इसको एमसीक्यूज की फॉर्म में यहां पे रखूंगा तो यहां पे थोड़ा बहुत फ्लो कट हो सकता है ठीक है लेट्स टॉक अबाउट ओवर क्वेश्चन नंबर एट वट इज रेवेन्यू डेफिसिट आपको बताना है रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है स्टार्टिंग विथ ओवर ऑप्शन ए एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रसीड्स अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द रसीड क्या हम उसको उस टाइम पे रेवेन्यू डेफिसिट बोलेंगे द आंसर इज नो दिस इज सिचुएशन जिसको हम क्या बोलते हैं असल में इसको हम बोलते हैं बजट डेफिसिट या इनफॉर्मली आप इसको बोल सकते हो फिजिकल डेफिसिट तो ये तो रेवेन्यू डेफिसिट की डेफिनेशन नहीं है टॉकिंग अबाउट ऑप्शन बी द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ये भी इसका सही आंसर नहीं है क्वेश्चन नंबर एट का जो करेक्ट आंसर बनेगा डेट विल बी ऑप्शन सी इट इज गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रेसिड तो रेवेन्यू डेफिसिट का क्या मतलब है जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन होगा रेवेन्यू रेसिड से तब हम इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट हर जगह पे वर्ड यूज हो रहा है रेवेन्यू रेवेन्यू दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ डेफिसिट इज नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट अब आपका ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है रेवेन्यू रिसीट क्या होता है इससे पहले हमने अभी अभी इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है ठीक है अब एक और पॉइंट यहां पे हम याद रखेंगे दैट इज अगर रेवेन्यू डेफिसिट का वैल्यू ग्रेटर देन होगा जीरो के इसका क्या मतलब है गवर्नमेंट जो रेगुलर बेसिस पे पैसा खर्च कर रही है उससे कम पैसा अगर गवर्नमेंट के पास आ रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है रोजमरे खर्चे क्या कर रही है गवर्नमेंट ज्यादा कर रही है एज कंपेयर टू द रिकरिंग इनकम तो दिस सिचुएशन इज वेरी डेंजरस फॉर द कंट्री ठीक है ये एक अच्छी ऑप्टिमल सिचुएशन uh, नहीं होती है फॉर द कंट्री दैट इज वाई इट इज ऑलवेज ट्राइड टू कीप रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू जीरो के बराबर हमेशा रखा जाता है रेवेन्यू डेफिसिट किसके बराबर जीरो के बराबर लेकिन यहां पे भी एक प्रॉब्लम आकर हो जाती है इसीलिए फिर कॉन्सेप्ट आया एक और जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का अब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का क्या मतलब है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट सिंपली आप बोल सकते हो इट इज द रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट माइनस आप इसमें से करते हो ग्रांट्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए होते हैं किसको स्टेट्स को फॉर कैपिटल क्रिएशन अब द ऑप्टिमल सिचुएशन फॉर द कंट्री इज दैट आपको क्या रखना होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट किसके बराबर जीरो के बराबर ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखोगे अगर आप इनको पहली बार पढ़ रहे हो तो आप इनको नोट no डाउन भी करके रख सकते हो एक और पॉइंट में यहां पे बात करूंगा इफ आई टॉक अबाउट फिजिकल डेफिसिट वापस से मैं उसी पॉइंट पे आ जाता हूं फिजिकल डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट अगर मुझे निकालना होता है ना वो होता है बराबर टोटल एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर आप टोटल एक्सपेंडिचर में दो किस्म के एक्सपेंडिचर्स आ सकते हैं एक इसमें आता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस इसमें और क्या आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें से हम क्या करते हैं इसमें से हम माइनस करते हैं रेवेन्यू सीड्स रेवेन्यू रिसीट्स इसमें से हम माइनस करते हैं प्लस अब इसमें और क्या आ सकता था कैपिटल कैपिटल रिसीड्स आ सकते थे बट हम कैपिटल सारे के सारे रिसट्स नहीं लेते हैं हम यहां पे लेते हैं खाली क्या नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स नॉन डेट कैपिटल रिसीड्स ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप इसको नोट no डाउन करके रखोगे क्योंकि यहां पे हम क्या कर रहे हैं डेट वाले कैपिटल रिसीड कंसिडर नहीं करते हैं डेट वाले कैपिटल रिसीड्स का मतलब ही क्या होता है बोरोइंग्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला हम क्या करते हैं फिजिकल डेफिसिट के केस में हम बोरोइंग्स को क्या करते हैं एक्सक्लूड ठीक है Exclude, तो होपफुली आपका स्टार्टिंग वाला डाउट अभी क्लियर हो गया होगा लेट्स टॉक अबाउट और क्वेश्चन नंबर नाइन बजट डेफिसिट मीन आपको बताना है बजट डेफिसिट की मीनिंग क्या है क्वेश्चन नंबर नाइन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए टोटल टोटल एक्सपेंडिचर माइनस जो मैं आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग से कंटिन्यूसली बताते आ रहा हूं जब हम टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बजट डेफिसिट बन जाएगा लाइकवाइज फिजिकल डेफिसिट मैंने आपको अभी अभी बताया फिजिकल डेफिसिट क्या होता है ये होता है बराबर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको हम माइनस करते हैं रेवेन्यू रसीड्स प्लस नॉन डेट कैपिटल रसीड्स नॉन डेट कैपिटल रसीड्स ठीक है ये पॉइंट भी आपको याद रखना है दिस इज फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ फिजिकल डेफिसिट लाइकवाइज अगर मैं बात करूंगा प्राइमरी डेफिसिट के बारे में ये जो प्राइमरी डेफिसिट होता है इसको मैं लेटेस्ट से रिप्रेजेंट करूंगा पीडी से प्राइमरी डेफिसिट होता है बराबर डेफिसिट डेफिसिट में से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस करेंगे इंटरेस्ट पेमेंट्स को अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो आपको क्या बन जाता है ये उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट लाइकवाइज अगर मैं ऑप्शन डी की बात करूंगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से अगर हम रेवेन्यू रसीड्स को माइनस करेंगे तो क्या बच जाता है इस चीज को हम क्या बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट ठीक है ये सारी फॉर्मूलाज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में वट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कट मोशन आपको बताना है कट मोशन का ऑब्जेक्टिव क्या है बिफोर कमिंग टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मैं आपको पहले थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कट मोशन क्या है कट मोशन जो है ये पावर देता है किनको लोकसभा के मेंबर्स को लोकसभा के मेंबर्स को यह पावर देता है टू अपोज फाइनेंशियल बिल टू अपोज फाइनेंशियल बिल ठीक है मोशन कट जो है या कट मोशन जो है ये लोकसभा के मेंबर्स को पावर देता है कि वो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल बिल को क्या कर सकते हैं अपोज ठीक है Opposed, ये पॉइंट आप एज इट इज याद रखोगे अब अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर पे आ जाऊंगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन द बजट प्रपोजल ठीक है एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने के लिए जो भी गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल बिल में बजट प्रपोजल दिया होगा उसके एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने के लिए कट मोशन यूज किया जाता है किस तरीके से इसको किया जाता है मैं आपको यह भी एक बार समझा लेता हूं फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने बोला या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला कि हम फलाना स्कीम पे इतना पैसा स्पेंड करने वाले हैं दूसरी स्कीम कोई उन्होंने बोला बोला कि इस पे हमें इतना स्पेंड करना है खर्चा करना है हेल्थ केयर पे इतना पैसा स्पेंड करना है एजुकेशन पे इतना पैसा स्पेंड करना है रोड्स या एसेट क्रिएशन में इतना पैसा स्पेंड करना है ठीक है ये गवर्नमेंट बोल रही है अपनी फाइनेंशियल बिल में अब लेटर से अपोजिशन को लगा या किसी भी लोकसभा के मेंबर को लगा कि इसमें से कोई ये वाली स्कीम जो है ये उतनी फ्रूटफुल स्कीम नहीं है ये कोई पागल सी स्कीम है तो ये स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च नहीं करनी चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं इस स्कीम को अपोज कर सकते हैं इस स्कीम को अपोज कर सकते हैं या गवर्नमेंट ने बोला कि हमें लेटर से हेल्थ केयर पे दस हजार करोड़ जो है खर्च करना है हेल्थ केयर पे तो कट मोशन के अकॉर्डिंग लोकसभा के मेंबर्स बोल सकते हैं गवर्नमेंट को नहीं आप जो हेल्थ केयर पे बोल रहे हो दस हजार करोड़ हमें स्पेंड करने हैं आप इसके बदले क्या करो नाइन हजार करोड़ ही इस पे स्पेंड कर दो ठीक है तो यहां पे क्या किया जा रहा है सिंपली एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है बाय द अपोजिशन जो भी उस बिल के अपोजिट होंगे ठीक है होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब ये जो कट मोशन है ना इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको यहां पे बताऊंगा पहला टाइप जो इसका आता है उसको बोला जाता है पॉलिसी पॉलिसी कट मोशन पॉलिसी कट मोशन पॉलिसी कट मोशन जो है ना यहां पे इसको सिंपली क्या किया जाता है इट रिप्रेजेंट्स द डिस डिसप्रूवल ऑफ द पॉलिसी अप्रूवल डिस्रूवल पॉलिसी का क्या मतलब है इसका फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने बोला फलाना स्कीम है इस पे मुझे एक सौ करोड़ रुपए स्पेंड करने हैं खारिज करने हैं अब सबको लगता है कि ये जो स्कीम है ना नाम से ही इनको समझ आ रहा है कि ये उतनी अच्छी स्कीम नहीं है तो अगर इसको बहुत सारे लोगों ने डिसअप्रूव कर दिया बोला कि नहीं ये स्कीम आप लॉन्च नहीं करो तो इस स्कीम को क्या किया स्कीम को क्या किया जाएगा डिस्कार्ड किया जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे इस को को हम हम या बोलते हैं पॉलिसी कट मोशन जहां पे पूरी की पूरी पॉलिसी ही क्या की जाती है डिस्कार्ड की जाती है तो हम बोलते हैं दिस मोशन इज यूज टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ डिमांड फॉर रुपीज वन दीज आर वर्ड्स जो कि इसमें यूज किए जाते हैं ठीक है जो आप हजार करोड़ सौ करोड़ की डिमांड कर रहे थे इसके बदले आपको क्या मिलेगा एक रुपए मिलेगा मीन्स दैट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा दूसरा टाइप जो इसका आता है उसको बोला जाता है इकोनॉमी कट मोशन इकोनॉमी इकोनॉमी कट मोशन अब इकोनॉमी कट मोशन मैंने ऑलरेडी आपको इसकी एग्जाम्पल भी बता दी इकोनॉमी कट मोशन का मतलब हो गया जो आप बोल रहे हो कि लटा से हेल्थ केयर पे हेल्थ केयर पे हमें दस हजार करोड़ स्पेंड करने हैं एक साल के अंदर दस हजार करोड़ ठीक है अब अपोजिशन इनको बोल रही है नहीं दस हजार करोड़ आप स्पेंड मत करो आप नाइन हजार करोड़ क्या करो हेल्थ केयर पे स्पेंड करो तो यहां पे क्या हो रहा है कुछ अमाउंट रिड्यूस किया जा रहा है तो ऐसे कट मोशन को हम क्या बोलते हैं इकोनॉमी कट मोशन ठीक है motion, और तीसरा टाइप जो इसका आता है दिस विल बी द लास्ट टाइप ऑफ इट उसको हम बोलते हैं टोकन कट मोशन टोकन कट मोशन टोकन कट मोशन का क्या मतलब है दिस इज यूज फॉर द ग्रीवियंस पर्पजेज ओनली। टोकन कट मोशन का मतलब हो गया लेटर से गवर्नमेंट ने बोला कि हमें हेल्थ केयर पे स्पेंड करना गवर्नमेंट ने माना या गवर्नमेंट ने बोला कि हमें हेल्थ केयर पे दस हजार करोड़ स्पेंड करने हैं दस हजार करोड़ हमें इस पर स्पेंड करने हैं अब अपोजिशन को भी लगता है ठीक है दस हजार करोड़ हेल्थ केयर के लिए क्या है ठीक है बट उनको तो अपनी प्रेजेंस दिखानी है ना उनको दिखाना है ना कि आपके अपोजिशन में भी कोई बैठा हुआ है तो वो बोलेंगे नहीं नहीं आप ये जो अमाउंट बोल रहे हो इसको एक सौ रुपए से क्या करो काम करो एक सौ रुपए इसमें से क्या करो काम करो तो अपोजिशन अपनी ग्रीवियंसिस रखने की कोशिश कर रहे हैं अपोजिशन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी यहां पे बैठे हुए हैं ठीक है तो इस तरीके के कट मोशन को हम क्या बोलते हैं टोकन कट मोशन तो होपफुली आज के सारे के सारे एमसीक्यूज आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे इनकेस कहीं पर कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में मैंशन करके बताओगे होप यू लाइक द सेशन अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ठीक है आज के बाद में हर दिन आपके लिए इकोनॉमिक्स का एक एक लेक्चर लाने की कोशिश करूंगा आई आई वॉज ऑफ द ओपिनियन की आज के लेक्चर में मैं दो टॉपिक्स कवर करूंगा बट बाई लुकिंग एट द डेप्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक मैंने सोचा कि चलो आज हम एक ही टॉपिक uh, कवर कर लेते हैं कल के लेक्चर में आपको एक तो मैं मॉनिट्री पॉलिसी कवर कराऊंगा मॉनिटरी पॉलिसी और आपको ये भी पता है दैट मॉनिटरी पॉलिसी क्योंकि आर बी आई के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड है तो हम यहां पर कल के लेक्चर में करेंगे रोल ऑफ आरबीआई भी देर आर टॉपिक्स ऑफ योर सिलेबस जो कि तीन चार टॉपिक्स एक ही लेक्चर में कवर किए जा सकते हैं ठीक है तो जब हम वहां पे पहुंचेंगे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम उनको कवर करेंगे बट जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके रिलेटेड हमें यहाँ पे डिटेल में लेक्चर लाना पड़ेगा अगर मैं छोटे छोटे टॉपिक्स की बात करूँगा जैसे रिकार्डियन थीरी ऑफ रेंट आपके सिलेबस uh, में है इसी तरीके से जो भी फॉर्म्स ऑफ मार्केट आपके सिलेबस में है, उनको कवर करने में ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा या नेशनल इनकम का जो टॉपिक है उसको भी ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा जब उन छोटे टॉपिक्स पर हम पहुँचेंगे तब मैं तीन चार चार टॉपिक्स एक ही एक ही प्रैक्टिस सेट में कवर करने की कोशिश करूँगा ठीक है तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में चल देन अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ गुड बाय